लेकिन उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? फोटो से बड़ी एल्बम, एल्बम से बड़ा वीडियो, वीडियो वीडियो से बड़ा सिनेमा, सिनेमा से बड़ी लाइफ, लाइफ से बड़ी फैमिली, फैमिली से बड़ा लव, से बड़ा लव, लव, तुमने लव कहा? तुमने तुमने लव सुना? हाँ लव सुना मैंने। हाँ तो वही कहा होगा। तुम ठीक हो ना मिष्टी? अबीर, जिससे मैं प्यार करूंगी, अगर मुझे वो ये फोटो वाली चीज छोड़ने के लिए कहेगा ना तो छोड़ दूंगी। लेकिन वो क्यों कहेगा? कहेगा तो मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ दूंगी, मेरी जिद, मेरा ईगो, मेरी पसंद नापसंद। तुम ठीक हो ना? तुम्हारे सर पे कुछ गिर तो नहीं गया ना? अबीर बी सीरियस और मेरी बात कान खोल के सुनो। बोलो। मैं जानती हूँ कि वो पेंटिंग वाली लड़की मैं ही हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे यहाँ एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़कियां ये बात पहले नहीं कहेंगी, लेकिन और अगर लड़की लड़के से सुनेगी तो भी वहां से भाग जाएगी, लेकिन मैं उन स्टूपिड लड़कियों में से नहीं हूँ। आई मीन ब्लश तो मैं भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगी आई लव यू टू अबीर, आई लव यू टू अबीर। अबीर, अबीर। मासी एक सेकंड, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ मासी बोलिए। इस रिश्ते के खिलाफ बेंबा कुछ कर रही है। आज तक जो भी गड़बड़ हुई है सब बेंबा ने की है। वो नमन को गोरधाना में बेंबा ने ही बुलाया था, और कुणाल और कोहू को अलग करने के लिए श्वेता भी बेंबा के कहने पर ही आई थी। What? इसलिए मुझे लग रहा है अभी जो भी हो रहा है वो बेंबा ही कर रही है। अबीर, कोहू बहुत अच्छी लड़की है और कुणाल बहुत खुश रहेगा उसके साथ, इसलिए मैं चाहती हूँ ये रिश्ता ना टूटे। आपकी बेंबा को मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। अब नहीं अबीर, अगर तुम बेंबा को बताओगे कि ये सब मैंने तुम्हें बताया तो वो मुझे इस घर से बाहर निकाल देगी। ऐसा मत करो अभी। नहीं, मुझे उनसे बात करनी होगी। अबीर नहीं, मुझे इस घर में रहना है। नहीं अबीर नहीं। क्या हुआ मासी? ये मैं क्या सोच रही थी, नहीं मैं अबीर को नहीं बता सकती। आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं अभी चलना, प्रैक्टिस रुकी है तेरे कारण। हाँ एक मिनट मामी। क्या हुआ पारुल? क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ है। हाँ देखिए पसीना भी आ रहा है इन्हें। आराम आराम मारी, अभी सारा दिन काम करेगी तो पसीना तो आएगा ही ना, तो चुप चल ना बाबा। मामी एक मिनट। हाँ मैं वही कह रही थी अबीर को, फोन छोड़ते और प्रैक्टिस करें। हाँ लेकिन इतनी छोटी सी बात है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? यही तो अबीर मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, बात क्या है पारुल? अच्छा जो भी बात थी, मैं डांस एक ही शर्त पे करूंगा, अगर मासी अभी मेरे साथ डांस करोगी। आई एम सो सॉरी अबीर, एक्चुअली मैं पारुल को लेने ही आई थी। मैं गेस्ट के लिए पारुल की मदद से एक स्पेशल डिश बनाना चाहती हूँ। क्या है ना कि पारुल ने हमेशा मेरा साथ दिया है। किम बापू जी? हाँ हाँ, आज का दिन पारुल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। And I'm sure पारुल, हमेशा की तरह आज भी आप मुझे ना नहीं कहेंगी, आएंगी ना मेरे साथ? चले मैं आती हूँ रसोई में जाके। हेलो उमा पटेल, प्लीज मेक श्योर कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ओके? हाँ हम ऑफिस में लेट करेंगे। क्या हुआ?
तुम इतनी जल्दी पकड़ी कैसे गई? क्या मिष्टी ने तुम्हें इतनी जल्दी पकड़ कैसे लिया? इतनी हिम्मत जुटा के बात बोली और इडियट ने सुनी भी नहीं। जुगनू भैया, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप जाके अबीर को बुला देंगे प्लीज? उनसे कहिए कि मैं उनका वेट कर रही हूँ आंगन में। हाँ। एक मिनट, मैं क्यों जाऊँ? आप तो दुश्मन कैंप से हो ना? क्या? हाँ, निधि भाभी ने कहा था कि आज संगीत है और दुश्मन कैंप वाले हमारे स्टेप चुरा सकते हैं। एक मिनट, मैं आपके कोई स्टेप्स कोई सीक्रेट चुराने नहीं आई हूँ। मैंने तो डांडिया स्टिक्स भी नहीं देखे थे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप लोग डांडिया कर रहे हो। आप सब जाते हो, अभी चुपके से बुला दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ, मैं बुलाता हूँ। कुणाल, I'm sorry. Sorry से क्या होगा? मिष्टी को पता चल गया ना सब कुछ तुमने किया था, और तुम तो मेरा नाम भी लेने वाली थी। नहीं कुणाल, मैं कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी, मैंने सारी बातें सुनी है, इसलिए मैं इमीडिएटली तुम्हारे घर गया था। तुम्हें कोई आइडिया भी है मैंने माँ के आगे कितना गिड़गिड़ाया ताकि रिश्ता ना टूटे? उन्होंने ही कॉल सुनी थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम चाहती हो रिश्ता ना टूटे तो बैक ऑफ, मेरी हेल्प मत करना। पर कुणाल। पर वर कुछ भी नहीं, अब जो कुछ भी करना है मैं करूंगा। ओके, मैं अपने भाई को तुम्हारी हेल्प के बिना ही बचा लूंगा। ये लो, ये वाउचर पकड़ो और स्पा जाओ, किसी को शक नहीं होना चाहिए। एंड काम डाउन प्लीज। बोलो एंग्री चोरनी, क्या बोलने आई थी? फोटोज के बारे में? नहीं, पेंटिंग के बारे में। बलून्स भी कितने सिली होते हैं ना भाई। मेरी बात मान जुगनू, इन्हें उड़ जाने दे। अरे नानको, मुझे बलून्स पसंद है यार। Trust me भाई, आप इन सब चीजों के बिना ही बेटर हो। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? संगीत की प्रेपरेशन वगैरह करनी होंगी ना। तुम भी तो कुहू के साथ गए थे ना। कुहू स्पा में, तुम्हें तो पता ही होगा उसको स्पा में टाइम स्पेंड करना कितना अच्छा लगता है। नानको, ये दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, मतलब हमसे भी ज्यादा। I mean, हम बहनें नहीं हैं, लेकिन you know what I mean. मैं अच्छी तरह से समझ गई अभी। मिष्टी, तुम यहाँ इस वक्त? मैं नहीं जानती कि तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो, पर तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। अब मेरे साथ चलोगी? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझसे? हाँ, अब कुहू की पसंद तुमसे बेटर और कौन जान सकता है। प्लीज आओ। जी कुहू, कुहू, अरे अच्छा हो तुम मिल गए। प्लीज बैग पकड़ना थोड़े से, मेरे से बहुत भारी है। अरे वर्षा भाभी, आप घर जाओ ना। वो क्या है कि मुझे और कुहू को ना आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, हम खा के घर आते हैं। अरे अभी तो ये डाइट पे है, संगीत से पहले डाइट तोड़ेगी ही नहीं। वो कुहू थोड़ी ना खाएगी, मैं खाऊंगी, वो तो बस मुझे देखकर खुश होगी, है ना कुहू? आप ये सामान मुझे दो ना, आप आराम से घर जाओ, मैं लेके आती हूँ उसे, ठीक है? वो भी ना। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। हाँ हाँ, चल कुहू तू मेरे साथ चल। मिष्टी, तुम्हें संगीत पसंद है? हाँ आंटी। आंटी, मुझे इंस्ट्रूमेंट सीखने का बचपन से ही शौक था, लेकिन कभी सीखने का मौका नहीं मिला। आई अंडरस्टैंड, तुम्हें अपने पेरेंट्स माता पिता के बिना जीना सीखना पड़ा, तो फिर संगीत सीखने का तो टाइम ही नहीं मिला होगा, राइट? इट्स ओके आंटी, मैंने उनके बिना जीना सीख लिया है जो मेरे बिना जीना चाहते थे। पर सच कहूँ तो मुझे दुनिया की बेस्ट फैमिली मिली है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। That's great, मिष्टी। मिष्टी, मैं
तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ पूछना चाहती हूँ। यहाँ आओगी? ये शादी के मंडप के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। अब तुम बताओ कि इसमें से कुहू को कौन सा मंडप पसंद आएगा। आंटी आप उसी से पूछ लीजिए ना, मैं वीडियो कॉल करती हूँ। नहीं मिष्टी, मैं कुहू को सरप्राइज देना चाहती हूँ, इसीलिए तो उसकी फैमिली उससे पूछ रही हूँ जो उसकी पक्की सहेली है, उसकी बहन। मुझे बताओ उसे कौन सा पसंद आएगा प्लीज। जी आंटी। आंटी वैसे तो कुहू को ये सबसे ब्राइट वाला मंडप अच्छा लगेगा, लेकिन वो अपनी खुद की शादी में सबसे ब्राइट दुल्हन दिखना चाहेगी, सो आई थिंक ये व्हाइट एंड गोल्ड वाला अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। थैंक्स फॉर द हेल्प। तुम्हारा फोन? ठीक है आंटी, अब मैं चलती हूँ। जाते जाते कुणाल को भेज देना। जी चल, अब बता मुझे क्या बात है। कुछ नहीं चाची, बस छोटी सी फाइट। हाय रपा, फाइट तो है ना, और वो भी उस मुंहबोली के चक्कर में। तू मुझे बता कि बात क्या है। चाची ये मेरे और कुणाल के आपस की बात है, हैशटैग कपल ट्रबल, मैं आपको नहीं बता सकती। चल ठीक है, अगर तुझे मुझे नहीं बताना तो मत बता, लेकिन तेरे और कुणाल के बीच में उस मुंहबोली की वजह से कोई फाइटिंग नहीं होनी चाहिए, और वो भी तब जब तेरी शादी इतने पास है। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। आज तेरा संगीत है ना, तो किसी गाने शाने के बहाने ना तो कुणाल को मना ले। हाँ, आज पहली बार आपने कोई अच्छा आइडिया दिया है चाची। आज पहली बार तूने मेरी बात जो मानी है। चल अब मैं तेरी हेल्प करती हूँ, आजा मेरे साथ। देखा कितना अच्छा डांस करते दोनों। वो इसलिए क्योंकि हम म्यूजिक पे डांस नहीं करते, हम एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। सही है। अबीर, मैं तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने आई थी, पर अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूं। अगर मैं तेरी जगह होता ना, तो सबके सामने संगीत में चौड़े में अपने दिल की बात कह देता। सारूची, एकदम सारूची, ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल। तुमने मेरी प्रॉब्लम फिर से बिना कहीं सॉल्व कर दिया जीप राजवंश। मैं तुम्हारी जैसी पोइट्री तो नहीं कर सकती, पर आज कुछ ऐसा करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हे मिष्टी। हाय 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 नानू। कुणाल, तुम्हें मीनाक्षी आंटी ने बुलाया है। रात को मिलते हैं। बाय। ये तो पेंटिंग के बारे में बात करने आई थी ना, क्या बात करने आई थी? कुणाल, तुमने कुहू से लड़ाई कर ली? आपको कैसे? उमा पटेल, कुणाल मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें समझाया था, और तुमने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि तुम इमोशनल नहीं होंगे। माँ मैं क्या करता, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, अगर कुहू की वजह से हम पकड़े जाते तो। और अब अगर हम कुहू की वजह से पकड़े गए तो? कुहू नाराज है, घर जाकर उसने सबको बता दिया तो? नहीं माँ, अगर बताना होता तो वो पहले ही बता देती। जो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तुमने मुझे अभी अभी मिष्टी के साथ बात करते हुए देखा ना, मिष्टी हर पल ये सोचती रही कि मैं उससे इतने प्यार से बात क्यों कर रही हूँ। उसे एहसास भी नहीं हुआ ये मंडप अब उसकी वजह से चलेगा। दुश्मन को अगर उंगली पर नचाना है ना कुणाल, तो उनसे गुस्से से नहीं बल्कि हंसकर प्यार से बात करनी चाहिए। हमें कुहू की नहीं, खुद मिष्टी की जरूरत है। हमारी अगली चाल मिष्टी चलेगी, समझो? कुहू और मेरी शादी नहीं होगी, इसकी जिम्मेदार मिष्टी होगी। आज रात का फंक्शन तुम्हारा पहला इम्तिहान है कुणाल, ध्यान रहे मिष्टी अबीर के पास जाने ना पाए।
मिष्टी तुम्हें अभी इससे दूर जाना ही होगा। मेरे परिवार की एकता का सवाल है। ओहो, आओ, आओ। जय श्री कृष्ण। आइए। जय श्री कृष्ण। आइए। आइए, धन्यवाद। क्या हुआ चाची? कहो, मैंने तुझे इतने सारे ऑप्शन दिए, कोई गाना चूज किया कि नहीं? सोच चाची, इतने बेकार ऑप्शंस होंगे तो कहाँ से चूज करूंगी आप? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कुणाल को कैसे मनाऊंगी। ओहो, तुरिया। अरे 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 वाह जसमीत जी, आप तो बड़ी सुंदर लग रही हो। और ये आपका नेकलेस बहुत ही सुंदर है, पर क्या आपको ऐसे नहीं लगता? आपके दुल्हन के चाची होने के नाते थोड़ा सा फीका सा लग रहा है, नहीं? निधि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वो क्या है ना कि हमारी कू है ही इतनी हॉट कि उसके सामने तो सब फीके लगते हैं, फिर वो लड़की की चाची हो या फिर लड़के की मामी। अब मैंने सही कहा ना? बातें चाहे आप कितना भी कर लो, लेकिन आज के संगीत में जीतेंगे तो हम, देख लेना। उसकी आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग ऐसी तैयारियां करके आए हैं, ऐसी तैयारियां करके आए हैं कि आपके सारे गेस्ट बस देखते रह जाएंगे। ऐसा क्या कर रहे? वर्षा भाभी, आप मेरे सताओ ना। एक मिनट आओ तो सही। भाभी क्या हुआ, बोल रही? एक मिनट बोलूंगी। वर्षा भाभी, आपको आईडिया है क्या? हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? वर्षा भाभी, आप देख नहीं रहे हो लड़के वालों ने क्या जम के तैयारियां की और हमने कुछ नहीं किया। जब घर में मैं कह रही थी कि प्रैक्टिस कर लो, ना आपने मेरी बात सुनी और ना ही कुंवर मिष्टी ने। वर्षा भाभी, अब हम हार जाएंगे और लड़की वाले किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम सब मिलके खुशी मना रहे हैं, इसमें हार जीत की क्या बात है? जसमीत बेन, लीजिए, हम अपने बहू का स्वागत कर रहे हैं और आप अपने दामाद का। बिल्कुल सही कहा आपने जसमीत, ये कोई कंपटीशन थोड़ी है। मिष्टी नहीं आई? वो बस आती ही होगी, दरअसल वो आज के लिए कुछ खास करना चाहती है तो बस उसी की तैयारियों में लगी होगी। अच्छा जी, आप जाकर ना निधि जी को बता दीजिएगा कि जीतेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लड़की वाले। क्यों भाभी? लड़की वाले क्या? अरे वाह मिष्टी, तू आ गई है ना, अब तो हम ही जीतेंगे। हाँ। ओए! क्या हुआ? नॉक कर क्या कर यार? वो दरवाजा खुला था, तुम्हें आ गया। मजाक कर रहा हूँ, आ जा। क्या बात है भैया, आज तो पूरे हीरो लग रहे हो। वो तो मैं हूँ। वैसे देख, सब लोग आए कि नहीं? हाँ हाँ, सब आ गए हैं, बस वो मिष्टी दीदी नहीं आई है। जब तक वो आती है आप थोड़ा और तैयार हो लीजिए। मेरी कोई गलती नहीं है भैया, आप और नानू जो पूरे घर में इतने जोर जोर से चिल्लाओगे, कुछ तो मेरे काम में जाएगा ना। अरे कुछ नहीं, इसकी गर्दन में कुछ बल आ गया था। जो भी है जल्दी आओ, फंक्शन स्टार्ट होने वाले। ओके ओके ओके, आ रहे हैं। जा देख के आ मिस्टी आई कि नहीं। प्लीज ओके। ये मुंह और अंबीर के लंबे बाल। क्यों जलस हो, इसलिए बाल की खाल उतार रहे हो? ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं बेटा, मुझे पता है तेरी लव स्टोरी पे तेरी ये जुल्फे ही काले बादल बन के छाई हुई है। अभी मुहावरा और बंद करो, टेल मी व्हाट्स अप। यू नो ब्रो, मुझे ना अंदर से फीलिंग हो रही है कि आज ये बादल छटने वाले हैं। मतलब कि आज मिष्टी कुछ करेगी। संगीत के बहाने से वो तेरे दिल के तार बजाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे मिष्टी को मैंने इतनी बार पेंटिंग दिखाने की कोशिश की, वो आंखें ही नहीं खोलती, देखने ही नहीं चाहती। अरे आज वो आंखें भी खोलेगी और उसकी चुप्पी भी। क्या बात है, ये चांद सा चेहरा उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। ओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी विदाई के बारे में सोचकर तुम अभी से दुखी हो रही हो? कुणाल ने कुछ कहा तुमसे? आंटी वो घर पे नहीं है क्या? है ना, मैं उसे अभी बुला कर लाती हूँ, और अगर उसने तुम्हें डांटा है तो मैं उससे डांट कर ले आती हूँ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।